तो अगर दोनों आपस में कंट्रीज खेलते हैं तो उसमें खेल को जो है बहुत ज्यादा जो है प्रमोशन मिलेगा और हम दोनों के लिए बेहतर है। तो डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज है, फिटनेस का भी एडवांटेज है, प्लेयर्स का भी है, एनवायरमेंट का भी है, मगर हम भी जो है ऐसे ही गर्म वेदर में ट्रेनिंग करके हैं और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको सरप्राइज करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच में। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट, इसमें डजंट मीन दैट ऑनेस्ट होके आंसर है। दूसरा एक हमारी गर्ल टीम है, लेट्स सी इन द गेम, देखते हैं कैसा जाता है, होप फॉर द बेस्ट। और ये कि हम टीम प्लेयर्स जो है वो जारी बात है जिन्होंने टीम से प्रमोट होके आ गए हैं, तो वो अपनी तरफ से ये है कि वो एक्साइटेड है, वो इस टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्म करने की जो भी है बेस्ट पॉसिबिलिटी करेंगे। और जैसे आपने मुझे बताया, क्योंकि इसमें अभी पहला क्वेश्चन हुआ था कि इससे पहले ये जो है ना नेक्स्ट टूर्नामेंट है वो बिगेस्ट वो एशियन गेम है, सो उस लाइक टेस्ट मैचेस भी होते हैं इसमें ट्राई करेंगे। जी नहीं, डेब्यू टीम प्लेयर्स का हो रहा है, तो जो आप जूनियर टीम से प्रमोट या जिसको आप कह सकते हैं वहां से आए हैं वो 12 प्लेयर जो जूनियर टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ऑलमोस्ट ये भी था कि कुछ लड़के और एक दो टूर्नामेंट खेले हुए भी हैं, लेकिन एक जो मोस्ट कैप्स लाइक 10 कैप्स 10 टू 12 कैप्स इंटरनेशनल। बिल्कुल, हमारी टीम में जो है वो जकरिया जो स्टार फॉरवर्ड है वो बड़ा जबरदस्त, उसमें इनसाइड लेफ्ट, क्योंकि हमारी जो असल हॉकी है लेफ्ट इन जो है, जैसे शहबाज सीनियर हैं या आपके शाहिद थे, या हमारी लेफ्ट इन जो है ना उनका होना बड़ा जरूरी है, और सेंटर हाफ की पोजीशन पे भी ऐसे हैं। मगर हनान शाहिद जो है वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द जो है एशिया का भी हो गए, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, उसको पता है किस तरह की हॉकी खेलनी है। और अब्दुल्ला गोल जो है हमारे डिफेंडर है, जूनियर के कैप्टन थे, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है वो। ये 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो वेरी सून जो है वो रिकग्नाइज होंगे आपके सामने, तो ये जो है वो वर्ल्ड स्टार बनेंगे इन फ्यूचर। नहीं, अब्दुल्ला तो नहीं 16 ईयर का, हाँ एक जो अमाद प्लेयर है वो 16 का है, अमाद है वो, बिल्कुल जो है अंडर मैट्रिक है, तो बड़ी पोटेंशियल है उसमें भी, बच्चे में बड़ी पोटेंशियल है, और वो इनसाइड राइट, और हाँ इनसाइड राइट खेलता है, और वो मिडफील्डर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। जी बिल्कुल, टाइम देखें, किसी भी अगर आप प्रोसेस में होते हैं, एक तो प्रोसेस की कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी होती है, ठीक है, दूसरे उसमें आपको टाइम फ्रेम मिलना चाहिए, यानी कि 2-3-4 महीने में जो है वो एकदम तो नहीं आपको जो है वो एक टीम को विनिंग जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर नहीं लेकर आते, एटलीस्ट टू माई पॉइंट ऑफ व्यू 18 मंथ्स चाहिए होते हैं इसको लिए, अगर आपने सोचना कि हम ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप में जो विक्ट्री स्टैंड में आना चाहिए, 18 मंथ्स का जो है वो टाइम रिक्वायरमेंट होती है उसमें। I already said before, it's a close, but it's a full dress rehearsal, I think. It's a 5 weeks काफी होते हैं recover करने के लिए, तो जो है वो इसमें recovery time भी है, ये नहीं है कि बिल्कुल भी एक हफ्ते के बाद होता तो फिर हम बोलते, अभी 40 दिन का तो चिल्ला होता है वो, तो वैसे ही बंदा ठीक हो जाता है 40 दिन में, तो अगर कोई बंदा बिगड़ा भी हो ना 40 दिन में ठीक हो जाता है, तो 40 दिन जो है वो काफी होते हैं। तो ये है कि मेरा ख्याल में ये कुछ लोग, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है सेकंड राय होते, बट मेरे ख्याल में ये FIH का एक बड़ा जबरदस्त है कि फुल टाइम रिहर्सल आपको मिल गई है, आपके सामने इवेंट है, और दोनों ही जितनी भी टीमें आपके सामने ही है, एक टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना, ये बहुत बड़ा जो है वो चैलेंजिंग सबके लिए, तो सारे जो है वो बड़े अपने जो है वो जो उनके जो हथियार है वो छुपा के भी रखेंगे, सामने बिल्कुल नहीं आएंगे, जैसे शॉर्ट कॉर्नर की इंटरेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, और जो है वो आपको जो अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो भी कम खेलते हुए नजर आएंगे, जो आपके जो बेंच है या जिस तरह के आपके यंगस्टर्स हैं उनको आप चांस देंगे इस टूर्नामेंट में, ताकि एक जो है वो आप चेक भी करें, प्लेयर्स को जो है वो चांस भी मिले यहाँ पे खेलने का, और डेफिनेटली जब सीनियर जब एशियन गेम आएगी मे बी और भी सीनियर प्लेयर भी इंजेक्ट हों टीमें, अपने की प्लेयर्स और भी लेके आए, तो ये एक सेटअप है टूवर्ड्स, क्योंकि मेगा टूर्नामेंट तो हमारा एशियन गेम है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए अभी अगर आप फेसबुक देखें तो हम जब आए, जब बॉर्डर हमने क्रॉस किया तो हमें हमारे वो ड्रैग लेकर युवराज सिंह ने हमें रिसीव किया वहां पे ना, तो वो उसके साथ हमने लंच भी किया, और जो है वो मुझे ठीक याद है कंवलप्रीत सिंह थे वो, 2005 जब मैं कैप्टन बना था तो उसकी बेटी पैदा हुई थी, उसका नाम भी मैंने रहमत रखा था वहां पे आके, तो ये हमारे बहुत क्लोज हैं। गगन अजीत सिंह के साथ बड़ा हमारे साथ था, हम एक दूसरे कमरों में जाना, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आने, हम कई प्लेयर्स जो हैं वो गिफ्ट भी लेके आए, हम नाम नहीं लेंगे नहीं तो आप उनके से मांगना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, प्रपोजल्स वहां पर भी हैं चीजों को बेहतर करने के लिए, तो होपफुली है कि उसको एक अच्छे तरीके से प्रपोजल्स को लुक ऑफर किया जाएगा और हॉकी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, जाहिर बात है इसमें कोई नो डाउट है, और वहां पर वर्किंग हो रही है इन चीजों पर, होपफुली आने वाले वक्त में इसके काम हो जाएगा इंशाल्लाह।
उसमें ये है कि थोड़ा सा एक चीज देखने को होती है कि वही ऑलरेडी चैंपियंस, कि अगर हम दोबारा चैंपियंस बनेंगे नॉट अ फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है। अभी भी पाकिस्तान जो है उसका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो उसमें ओलंपिक्स में जो है वो 3 दफा ओलंपिक, 5 दफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। अगर इंडिया पाकिस्तान कप कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान को अभी भी क्रिकेट और हॉकी में दोनों में एडवांटेज है, पाकिस्तान की विक्ट्रीज अभी भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली आपका वैलिड क्वेश्चन है कि अभी वो पाकिस्तान की रैंकिंग अभी नहीं है, वो भी रैंकिंग इस वजह से नहीं है पाकिस्तान की कि प्रो लीग में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर प्रो लीग में करे तो पाकिस्तान अभी भी जो है 10th और 9th or 8th पोजीशन पे आता है। अगर उसके नीचे अगर आप टीमें देखें जैसे साउथ अफ्रीका है, स्पेन है, आयरलैंड है, तो इन चीजों को अभी भी पाकिस्तान इन टीमों से अभी भी बेहतर है, इन कंडीशन में भी बेहतर है। डेफिनेटली टॉप 4-5 जो टीमें हैं उसके साथ जो है वो अभी हो सकता है, मगर जब खेलने में टीम आती है पाकिस्तान की तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है। तो ये जो है ये भी है कि स्किल खत्म नहीं हुई इसमें, अभी भी स्किल जो मौजूदा प्लेयर है मैं समझता हूँ कि उनमें स्किल अभी भी हमारे जैसे जो हम में स्किल थी उनसे बेहतर स्किल है, बट डेफिनेटली आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है उनके ऊपर जो है वो बहुत जो है ना वो कहने की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अगर आपने जो है ना अल्टीमेटली अगर दोबारा आपने आना है तो डेफिनेटली इट्स नॉट ए ईजी टास्क एस वेल। बिल्कुल अगर नए रूल्स को देखें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का उसका एडवांटेज होगा, ठीक है। यूरोपियन टीमों को डिसएडवांटेज होगा क्योंकि उनके शॉर्ट कॉर्नर उनके बहुत जो उनके स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत तगड़े हैं हमसे, ठीक है, और उनके गोलकीपर्स भी जो है ना हमसे जो है इस वक्त तगड़े हैं उनके। तो अगर आप देखें अगर 20-30 यार्ड पे बॉल रुकता है तो डायरेक्ट वेरिएशन तो खत्म होगी, तो इनडायरेक्ट में तो पाकिस्तान वैसे ही बड़ा अच्छा है, इंडिया वैसे ही बड़ा अच्छा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के लिए जो ये रूल्स है वो बड़ा बेनिफिट होगा उसमें और बड़ा एडवांटेज होगा उसमें। देखिए जो हमारे जो यंग टीम है जो जूनियर एशिया कप खेल के आई है, ऑलमोस्ट ज्यादातर प्लेयर उसमें जो है वो एशिया कप खेल के आए हैं, तो उनमें काफी जो है वो मोराल बड़ा हाई है उनका, और जो है वो डेफिनेटली आपका एक बात ठीक है कि ज्यादा एक्सपीरियंस। मगर आप देखिए हॉलैंड की टीम भी इस वक्त दुनिया में उन्होंने प्रो लीग में जो है टॉप किया, मगर उनके सारे यंगस्टर्स हैं। तो अभी जो है जो हॉकी जो फिटनेस का खेल है तो आपकी फिटनेस जो है वो हो साथ जो है, जिस तरह हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है कैप्टन बैठे हुए हैं 3-4-5 प्लेयर अगर आपके सीनियर्स उसमें ऐड हो जाएं तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसमें जो स्पीड और जो कंट्रोल है गेम का वो आप जो उसमें कर सकते हैं, एक जो है एक्सपीरियंस बंदे को आप तेज तो नहीं कर सकते, जूनियर बंदे को तेज करके जूनियर बंदे को तो स्लो कर सकते हैं आप, मगर जूनियर बंदे को जो है वो सीनियर बंदे को आप जो है वो तेज नहीं कर सकते। तो अभी हॉकी जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है, तो इसमें इंशाल्लाह ताला जो है हमारे जो ये टीम है इसमें जो है बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वो जानते हैं कि उन्होंने हॉकी किस तरह खेलनी और इंशाल्लाह उसका मुजाहरा भी करेंगे आपके सामने। देखिये डेफिनेटली इंडिया अगर रैंकिंग में देखें और जो है उनकी देखें अभी भी वो यूरोप से खेल के आ रहे, तो हम तो अपने घर से उठ के आ रहे हैं अभी तक ना, तो जो है वो डेफिनेटली उनका प्रिपरेशन लेवल जो है हमसे बेहतर है, ये अभी हमें मानना पड़ेगा। क्रिकेट में भी हमें मानना पड़ेगा कि उनका जो है ना वो है, तो उसमें खेल को जो है बहुत ज्यादा जो है प्रमोशन मिलेगा और हम दोनों के लिए बेहतर है। तो डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज है, फिटनेस का भी एडवांटेज है, प्लेयर्स का भी है, एनवायरमेंट का भी है, मगर हम भी जो है ऐसे ही गर्म वेदर में ट्रेनिंग करके हैं और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको सरप्राइज करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच में। जी डेब्यू टीम प्लेयर्स का हो रहा है, तो जो आप जूनियर टीम से प्रमोट या जिसको आप कह सकते हैं वहां से आए हैं वो 12 प्लेयर जो जूनियर टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट ये भी था कि कुछ लड़के और एक दो टूर्नामेंट खेले हुए भी हैं, लेकिन इनके जो मोस्ट कैप्स लाइक 10 कैप्स 10 to 12 कैप्स इंटरनेशनल। सर कोई यंग प्लेयर्स है जो पाकिस्तान टीम में जिनको जो एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड यू शुड लुक आउट फॉर? बिल्कुल हमारी टीम में जो है वो जकरिया जो स्टार फॉरवर्ड है वो बड़ा जबरदस्त उसमें इनसाइड लेफ्ट, क्योंकि हमारी जो असल हॉकी लेफ्ट इन जो है जैसे शहबाज सीनियर हैं या आपके शाहिद थे, ये हमारी लेफ्ट इन जो है उनका होना बड़ा जरूरी है, और सेंटर हाफ की पोजीशन पे भी ऐसे हैं। मगर हनान शाहिद जो है वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द जो है एशिया का भी हो गए, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, उसको पता है किस तरह की हॉकी खेलनी है। और अब्दुल्ला गोल जो है हमारे डिफेंडर है जूनियर के कैप्टन थे, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है वो। ये 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो वेरी सून जो है वो रिकग्नाइज होंगे आपके सामने कि ये जो है वो वर्ल्ड स्टार बनेंगे इन फ्यूचर। नहीं अब्दुल्ला तो नहीं 16 ईयर का, हाँ एक जो अमाद प्लेयर है वो 16 का है, अमाद है वो बिल्कुल जो है अंडर मैट्रिक है, तो बड़ी पोटेंशियल है उसमें भी, बच्चे में बड़ी पोटेंशियल है, और वो इनसाइड राइट और हाँ इनसाइड राइट खेलता है और मिडफील्डर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है।